नमस्कार दोस्तों दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़के मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसे जो कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदू से, जो दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, उनसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको। और बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत हो रहा है कि वो लोग क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। और ऐसे भी किसी के कमेंट्स मैंने पढ़ा है कि उनके साथ पहले जो हिंदू धर्म में थे तब अच्छा बिहेव करते थे, फिर अलग धर्म अपनाने के बाद उनके साथ कुछ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया, तो उनको उस चीज़ पे भी शिकायत है। तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मैं अपनी समझ के बारे में आप सबको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपने थॉट्स को। और आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या सोच है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है, कोई क्यों कन्वर्ट होता है, क्यों अपने धर्म को परिवर्तन करते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो कुछ भी XYZ कोई भी धर्म हो, लोग कब परिवर्तित होते हैं, जब उनको लगता है कि मेरी इस धर्म पे रहने के बावजूद मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा। लोग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हैं। और कभी देखा है कि किसी को, मछली ही सोच लो आप, मछली को जब पानी के ऊपर लाया जाता है ना, वो कोशिश करता है फिर से पानी में जाने की, जिंदा रहने की हर वो मुमकिन कोशिश करता है। इंसान भी ऐसे ही अपने हाथ पैर मार के हर एक मुमकिन कोशिश करता है जीने के लिए, है ना। तो उसको जब देखते कहीं पे एक छोटी सी होप भी दिखाई देता ना कि मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है अगर मैं वहां जाऊंगी, तो लोग वहां पे ही जाएंगे। इसका मतलब ये साफ है कि जो लोगों की चाह है वो फुलफिल नहीं हो रहा, किसी भी एक धर्म में रह के जो वो लोग चाहते हैं नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि वो अलग कोई धर्म अपनाएंगे, अलग किसी वहां पे जाएंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो सब कुछ मिलेगा जो उनको पहले वाले धर्म में नहीं मिल रहा। और जो कन्वर्ट होते हैं, कोई अपने धर्म को, पहचान को, जो बचपन से मिला हुआ है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। अगर छोड़ रहा है तो सोच के देखिए मन में कितनी कितनी दुख बड़ी होगी, कितना कुछ सहा होगा, भगवान भगवान कह के चिल्ला चिल्ला के, जब कुछ ना मिल रहा हो, कहीं पे भी एक आशा की किरण ना मिल रहा हो, तब जाके लोग दूसरे धर्म को चयन करते हैं। सोचते हैं कि यहाँ पे तो भगवान मेरा कुछ सुन नहीं रहा, मदद नहीं कर रहा, शायद उस धर्म में जाऊंगी तो मुझे मदद मिलेगा। और शायद उस धर्म में जाके लोग डेवलप भी हो रहे होंगे, लोगों को वो मिल रहा होगा जो पहले वाले धर्म में रह के नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई कुछ भी छोड़ता है ना, मजबूरन छोड़ना पड़ता है, या फिर देखते हैं कि वहां पे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ मिला है, दुख मिला है, तो जब छोड़ देते हैं उस चीज को, तब मन में ऑटोमेटिकली एक नफरत सी पैदा हो जाती है जिस चीज को मैंने छोड़ा है ना, उस चीज के प्रति। तो कभी कभार क्या होता है, उनकी जो बिहेवियर है उसमें दिखता है कि वो जो गुस्सा है, वो नफरत है, वो दिखाई देती है। इंसान है यार, नेचुरल है, आ जाता है ये सब। तो वही मुझे लगता है उस टाइप के लोग हैं जो कन्वर्ट होने के बाद, एक धर्म को छोड़ने के बाद, ऑटोमेटिकली एक मन में जहर सा भर जाता है वो जिसको छोड़ा है उसके प्रति, तो उनकी लोगों के प्रति ऑटोमेटिकली एक अलग सा गलत सा बिहेवियर आ जाता है, उनके प्रति एक व्यवहार आ जाता है। तो इसमें दुख की बात नहीं है, बस उसको समझने की बात है कि भाई उसने क्या क्या झेला होगा, न जाने क्या क्या झेल के फिर वो कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये समझने की बात है, हर किसी को जब आप समझने की कोशिश करोगे, हर इंसान की जगह पे खुद को रख के जब समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप सबको सही लगेगा, हर एक बात उनकी सही लगने लगेगा। तो किसी को जज करने से पहले ना उनकी हालात को सोचिए, न जाने उसने क्या क्या सहा होगा वो देखिए। और एक मैंने कमेंट देखा है, जनजाति भाई बहन बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे एक कमेंट जो जिन्होंने किया है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि वो क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, रीजन क्या है, कन्वर्ट होने के पीछे की कारण क्या है। कभी किसी ने उसको टटोलने की कोशिश की है, या फिर कभी किसी ने इसको समझने की कोशिश की है, अच्छा इस तरह से ये लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, अब इसको इस
इसको स्टॉप करने के लिए क्या स्टेप लेना पड़ेगा? लोगों को ऐसा क्या नहीं मिल रहा हमारे यहाँ पे जो उनको दूसरे धर्म को अपनाना पड़ रहा है, दूसरे लोगों के पास जाना पड़ रहा है? क्या कभी किसी ने ये सोचा है? क्या गहराई में जाके किसी ने सोचा है कि अब क्या करे कि आगे जाके लोग कन्वर्ट ना हो, उनको वो सब कुछ सेटिस्फेक्शन मिले अपने ही धर्म में? ऐसा कभी किसी ने सोचा है? मेन रीजन क्या है? आपने देखा ही होगा जो एडीसी गांव है त्रिपुरा की, उनकी हालत क्या है। एक अच्छा खासा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है जहां पे जाके हम पढ़ के थोड़ी सी शिक्षित हो, हमारे बच्चों को थोड़ी सी शिक्षित करें, ऐसा कोई वो नहीं है। हमें शहर आना पड़ता है, किराए पे मकान लेना पड़ता है और उसके बाद पढ़ाई के खर्चा उठाना पड़ता है, बहुत बहुत महंगी पड़ती है हम लोगों के लिए। इसकी वजह से शिक्षा की जो अधिकार है वो भी हमें नहीं मिल रहा। और जो कमेंट में जनजाति जनजाति भाई बहन ऐसे लिखा है, पिछले सरकार जब था ना तब हमारा क्या परिचय था पता है? आदिवासी उपजाति। अब हमें नया पहचान मिला है जनजाति। क्यों भाई हमें हर बार नए नए पहचान क्यों दिया जा रहा है? हमारा भी एक पहचान है, त्रिपुरी। त्रिपुरी रखो ना यार, जनजाति उपजाति आदिवासी क्यों? इतनी नए नए नामों से क्यों? एडीसी में एक भी अच्छे स्कूल अच्छी कॉलेजेस नहीं है। मिशनरी की बदौलत, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि क्योंकि ये सच है, मिशनरी की बदौलत जो एडीसी गांव में गए मिशनरी स्कूल, उसकी बदौलत हमारे बच्चे जो हैं थोड़ी बहुत पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी हालत अभी जो दिख रहा है ना, इससे भी ज्यादा बदतर होती, इससे भी ज्यादा बदतर होती। मिशनरी की बदौलत एडीसी गांव की जो त्रिपुरी कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत डेवलप्ड हो रहे हैं और ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली काम है। वैसे ही एडीसी गांव डेवलपमेंट के लिए तरस रही है पिछले 70-75 सालों से। अब थोड़ी बहुत कुछ उनको जीने की चाह मिल रही है तो जीने दीजिए ना यार, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। और आपको मैं एक बात बता दूं जिनको भी नहीं पता, हमारे जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के जो त्रिपुरी लोग हैं उनके कल्चर में ना, जैसे आपके घर में कोई मेहमान घूमने जाते हैं या फिर आपके घर में जाते हैं मेहमान नवाजी के लिए, आप लोग चाय पूछते हैं पानी देते हैं, हमारे यहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले एक कप चुआक बोलते हैं जिसको, चुआक मतलब दारू, वो सर्व किया जाता है। ताकि और जिनके जो ये नहीं देते तो आप लोगों को मेहमान नवाजी करनी नहीं आती। जैसे आप लोग चाय पूछते हैं ना, हमारे यहाँ पे एक कप दारू पूछा जाता है, चुआक जिसको बोलते हैं, वो देते हैं तो बहुत इज्जत बढ़ जाती है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जब भी घूमने कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसा होता है कि एक कप करके पीते पीते दारू की आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। हमारी तिपरा साहू की जो भगवानों के भगवान है वो है बाबा गौरिया। तो गौरिया मतलब मेरे दादाजी ने मुझे जो समझाया है वो भगवान शिव जी के अवतार हैं। तो भगवान शिव जी को हम पूजते हैं गौरिया नाम से, बाबा गौरिया। तो बाबा गौरिया की जो पूजा अर्चना विधि है, जो गाना गाते हैं वो पहले की बहुत पुराने दिनों में, वो गाना जो है थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि आम तौर पे लोग ऐसे भाषा इस्तेमाल नहीं करते, जो भाषा अब सभ्य समाज में सुनने में अजीब लगता है, शर्म आती है, क्योंकि उसमें उसी टाइप की भाषाएं इस्तेमाल किया गया है, उसी टाइप की वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है जिसको अश्लील बोलते हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल किया गया है पहले गाने में। तो उनको अभी थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके क्या किया गया, गाने को थोड़ी सी बेहतर बनाया गया है ताकि गांव में औरतों के सामने बच्चों के सामने आराम से वो गाना गाया जा सके, इतना कुछ परिवर्तन किया गया। तो इतना कुछ आप लोग गाने में परिवर्तन कर सकते हो तो संस्कारों में थोड़ी सी परिवर्तन लाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रथा है, हाँ दारू जो अल्कोहल है उसको सर्व किया जाता है पर उसकी मात्राएं कम किया जा सकता है।
मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये सोचना है कि जो कल्चर है दारू पीने की, पिलाने की, जहाँ पे पड़े रहने की, अपनी होश गंवाने की, इस कल्चर को भी हम थोड़ी बहुत बदल सकते हैं अगर चाहें तो। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ये भी अच्छा कर लेते हैं यार, जबकि पता है कि अल्कोहल कंज्यूमशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो चलिए ना इसको थोड़ी बहुत कम करते हैं, भगवान तक ही लिमिटेड रखते हैं, इंसानों के लिए अलग रूल्स बना लेते हैं। क्या ऐसा हो नहीं सकता? देखिएगा, अगर कुछ कुछ परिवर्तन हम अगर अपने कल्चर्स में ला सके ना, तो मुझे लगता है ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, इसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और डेवलपमेंट सबसे बड़ी वजह है, डेवलपमेंट। गांव में आप लोग अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे कॉलेज बनाइए, डेवलपमेंट की ओर गांव को लेके जाइए, ये जो कन्वर्ट कन्वर्ट गेम है ना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। और भाई ये क्या मतलब, उसकी खुदा, इसकी खुदा, मेरी खुदा, 2024 आने वाली है यारो, क्या लेके बैठ गए हम? मुझे तो ये डर लग रहा है कि अरे 2024-25 में मैं कहीं वर्ण प्रथा में ना पहुंच जाऊं, क्योंकि जिस तरह से हम पीछे आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आगे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, कि वर्ण प्रथा पे ना आ जाए, ये ब्राह्मण है, इनको इनको छूना मना है, और ये क्षत्रिय हैं, ये योद्धा हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये निचले स्तर के लोग हैं, मतलब ये सब भेदभाव ना फिर से वही फिर से वो सब झेलना ना पड़ जाए। वरना यार धर्म धर्म ये सब लड़ाई तब अच्छी लगती ना, जब हम होते कहीं पर भी 1918 में, 1910 में, तब जाके थोड़ी बहुत अच्छा लगता। अब 2023 जाने वाली है, 2024 आने वाली है, अब जाके ये सब बर्दाश्त के बाहर है यार, बहुत बर्दाश्त के बाहर है। मुझे बहुत अजीब भी लगता है कि मेरी स्टेट में ऐसा कुछ चल भी रहा है, हो भी रहा है, कि क्रिसमस में आप सेंटा क्लॉज नहीं बन सकते। अरे कितने बच्चों को आपने कृष्ण बनते हुए देखा है, स्कूल में जाके देखिए यार, मिशनरी स्कूल में कृष्ण बनते हैं, नहीं देखा आप लोगों ने? फिर आप लोगों ने दुनिया ही नहीं देखी होगी। बनते हैं यार, बच्चों को तो मत घसीटो इन सब में। और जितने भी टीचर्स अभी मुझे देख रहे हैं, मेरी टीचर्स ने मेरे मन में कभी किसी भी चीज के लिए नफरत नहीं डाली। आज मैं जो भी, मुझ में थोड़ी सी भी अच्छाई है तो वो मेरी टीचर्स की वजह से है। तो मेरी जितने भी स्कूल टीचर्स है, चाहे वो मिशनरी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की हो, हर एक टीचर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी जो स्टूडेंट्स है, अपने बच्चों को कभी नफरत ना सिखाए। वो चाहे बाहर से कुछ भी सीख के आए, स्कूल में आते ही वो सारे नफरत, वो सारे सब कुछ धुल जाए। आपकी शिक्षा में उतनी पावर होनी चाहिए, और बच्चों में कभी भेदभाव बिल्कुल ना करे कि ये तिपड़ा सा है, ये बंगाली है, ये हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं, ये मुंडा के बच्चे हैं, ऐसा कभी कभी भी आप लोग मत कीजिएगा। आपकी शिक्षा के प्रांगण में जैसे ही वो लोग कदम रखें, वो पवित्र हो जाए। शिक्षा में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी गुण होनी चाहिए। तो हर एक टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, उनको नफरत करना बिल्कुल ना सिखाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी आप सबके सामने। तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। बाय बाय।